गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट न्यू यूनिट दैट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. दिस इज़ द वेरी इनिशियल स्टेज और इनिशियल स्टेप. जब हम एक रिसर्च प्रोसेस, मैंने आप लोग को जब पढ़ाया था तो आप लोग को याद होगा कि सबसे फर्स्ट जो मैंने बताया था दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. आइडेंटिफिकेशन मतलब पता करना, रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई प्रॉब्लम हमको चूज़ करना है जिस पे हमें स्टडी करना है. रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि हमें प्रॉब्लम ढूंढना है, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अधिकतर आप लोग एमएससी से आप लोग आंसरेबल होंगे, बट जब भी मैंने जीएनएम से पूछा, बीएससी फोर्थ थर्ड ईयर से पूछा, मुझे यही रिस्पॉन्स आया. मैंने हमेशा उनसे पूछा कि आपका ओपिनियन बताओ अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम, तो उन्हें सब ने मुझे यही बोला कि मैम रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि रिसर्च करते समय जो भी प्रॉब्लम अराइज होता है दैट वी कॉल द रिसर्च प्रॉब्लम. बट नो, रिसर्च प्रॉब्लम इज़ when we go for any study, any research, we identify the topics, understand, you can say the topic also, hum identify karte hain topic, so that we call the research problem. हम कुछ करने के लिए हमें कुछ टॉपिक चाहिए ना यार, तभी तो विल डू कंटिन्यू अवर स्टडी. तभी उस वो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक को ही हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. आई होप आप लोग को अंडरस्टैंडेबल होगा. Research problem is a question that researcher wants to answer. Understand? The researcher wants to answer or a problem that a researcher want to solve. Identification and formulation of research problem is a first step of research process. मैंने बोला था आपको, this is a initial step or first process of research. आप जब research करने जाएंगे तो आज अगर आपने हम मैंने एक team बनाई है कि चलो आज हम लोग अब आज से हम लोग research करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, first of all we have to select a topic, we have to understand the area where we have to select the topic. तो उसको बोलते हैं identification of research problem. Okay, and why we are identifying the research problem, to solve any problems in the field of clinical or in the field of theory, मतलब किसी भी sections में. अब मैं आप लोग को बताऊँगी sources of identification of research problem, ऐसे कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हम topics हमको मिल सकता है, जैसे clinical field है, theoretical field है, institutional है, तो ये सब मैं आप लोग को detail में बताऊँगी. सी, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज रिसर्चर नॉलेज. ऑब्वियसली अगर कोई रिसर्चर नॉलेज बहुत नॉलेजेबल बनता है तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आएगा, अच्छे अच्छे टॉपिक्स, करेंट करेंट टॉपिक्स पे रिसर्च करेगा. स्किल्स, उसके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर उसको बहुत अच्छे से रिसर्च करने के लिए आता है तो ही विल चूज़ वेरी नाइस डिज़ाइन, वेरी नाइस सैम्पलिंग, तो उसको फ्रेमिंग करने से बहुत अच्छे से आएगा. ठीक है, इंटरेस्ट, एक्सपर्टाइज, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी. तो रिसर्च एक वर्क है, एक टास्क है, तो वो टास्क को करने के लिए हमको इंटरेस्ट चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए. कोई न्यूली, कोई नया बंदा है जो रिसर्च सब्जेक्ट पढ़ा है, उसको आइडिया ही नहीं कैसे करना है, तो हाउ ही विल टीच द पीपल, हाउ ही विल डू द रिसर्च. तो उसके लिए आपको, यू नीड टू बी थॉरो विद दी रिसर्च टॉपिक्स, कि आपको एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिसर्च आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. इट इज़ बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द गुड रिसर्च स्टडीज़ नीड लॉट्स ऑफ टाइम फॉर सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. होता है कई बार, क्या होता है, जैसे हम अभी बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं कि हमें रिसर्च प्रॉब्लम ही तो ढूंढना है ना, रिसर्च टॉपिक ही तो ढूंढना है ना. इतना आसान नहीं होता है रिसर्च टॉपिक ढूंढना, मतलब रिसर्च टॉपिक हमको जैसे आज मेरी इच्छा हुई कि कोरोना पे कर लूँ, ऐसा नहीं होता है कि मेरी इच्छा हुई तो. हमें वो ऐसे एरियाज़ देखने पड़ते हैं जहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड हो रही है, जैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट को सोडियम नहीं देना है, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डू द रिसर्च, अंडरस्टैंड. तो हमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स ढूंढना पड़ता है, रिव्यू करने पड़ते हैं कि किस किस में सबसे ज़्यादा नीड है दुनिया को, किस में. हम तो प्रैक्टिकल फील्ड से, नर्सिंग फील्ड से हैं, हमें तो और ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे हमको रिसर्च करना चाहिए जो सोसाइटी को बेनिफिशियल हो. ठीक है, तो इतना आसान नहीं है कि हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, हमको डिटेल में जाना पड़ता है कि वेयर इट इज़ नीड, जहाँ पे नीड होती विल कंडक्ट द रिसर्च ऑन दैट टॉपिक. जैसे अभी बीच में कैंसर, सर्वाइकल कैंसर बहुत दिख रहा था, तो वी कैन डू विद दिस सर्वाइकल कैंसर एंड वी कैन पब्लिश अवर रिसर्च, और हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि रिसर्च सर्वाइकल कैंसर इतना नहीं है. और अभी बीच में थायराइड बहुत दिख रहा था, तो हम ऐसे रिसेंट टॉपिक्स को ले सकते हैं जो आज के सिनेरियो में आज के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जैसे कोविड. अभी दिस इज़ अ वेरी वेरी न्यू और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच कैन डू द स्टडी. ओके,
डेफिनेशन दिया है अकॉर्डिंग टू करलिंगर। जब भी मैं अब इस यूनिट के बाद जो मैं टेस्ट लूँगी ना, उसमें आप लोगों को मैं डेफिनेशन लिख दूँगी या फिर मैं ऑथर लिखूँगी। अकॉर्डिंग टू दैट ऑथर यू हैव टू राइट योर डेफिनेशन। ओके, तो ऑथर के साथ में अभी डेफिनेशन आप याद करो। करलिंगर बोल रहा है, ए प्रॉब्लम इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। वाई इट इज इंटरोगेटिव आई विल टीच यू। ए प्रॉब्लम इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट दैट आस्क What relation exists between two or more variables? The answer to question will provide what is having sought in research. अब मैंने क्या बोला, ये जो research problem जो होता है वो एक statement होता है। स्टेटमेंट मैं बताऊंगी, स्टडी टू असेस द इफेक्टिवनेस, ये पूरा एक स्टेटमेंट होता है। हम ऐसा नहीं बोलते कि मैं ट्यूबरकुलोसिस पे कर रही हूँ। जैसे मैंने आप लोग को पूछा कि आप लोग किस पे स्टडी कर रहे हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैडम मैं ट्यूबरकुलोसिस पे कर रही हूँ। नो, यू हैव टू टेल कंप्लीट स्टेटमेंट। जैसे पूरा आपके स्टडी टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम ऑन ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द पेशेंट सफ एडमिटेड इन दिस हॉस्पिटल, मतलब आपको यू हैव टू स्पीक सारे आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एक्सट्रेनियस सारे वेरिएबल्स आपके स्टेटमेंट में आने चाहिए। दैट वी कॉल दी परफेक्ट रिसर्च प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डेफिनेशन। और भी डेफिनेशंस दिए हुए हैं। आर एस वुडवर्थ का है, डिफाइन किया है सिचुएशन, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोग पढ़ लेना। इन अदर वर्ड्स, एक और डेफिनेशन आप लोग को क्लियर करने के लिए, रिसर्च प्रॉब्लम इज एन एरिया ऑफ कंसर्न वेयर देर इज अ गैप इन द नॉलेज नॉलेज बेस नीडेड फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। जैसे अभी भी हमारे डिलीवरी में मैं ये बिलीव करती हूँ, जब भी हम डिलीवरी करते हैं तो वी प्रोवाइड दी ऑक्सीटोसिन। वाई वी प्रोवाइड दी ऑक्सीटोसिन? और भी हमको अल्टरनेटिव थेरेपीज देखनी चाहिए, एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर्स भी हमको यूज़ करना चाहिए। मान लो किसी वुमेन को पेन आ गया है कहीं ऐसे जगह पर जहाँ पर देर इज़ नो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीटोसिन मिथार्जिन, देन वॉट विल डू? तो विल बी, हमें ऐसा होना चाहिए कि मेरे नर्सिंग प्रोफेशन में, मुझे ऐसा लगता है मेरे ओबीजी डिपार्ट में, मुझे लगता है कि डिलीवरी में हमें बहुत सारे और अल्टरनेटिव थेरेपीज को अडॉप्ट करना चाहिए, तो हम एक उस पर स्टडी कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, जो सबके लिए, गांव वालों के लिए स्पेशली बेनिफिशियल होगा। अंडरस्टैंड? तो मैं इस टाइप के चीज़ों पे जो जिसमें गैप है नॉलेज की, कि हमें केवल पेन की दवाई देनी पड़ती है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट में भी देनी पड़ती है, देनी ही पड़ती है ऑक्सीटोसिन और मिथार्जिन ब्लड कम करने, मतलब ब्लड फ्लो कम करने के लिए, तो ब्लीडिंग कम करने के लिए, सॉरी, तो देर इज़ अ नीड, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है ये नॉलेज की गैप है जो हमें प्रोवाइड करना चाहिए डिलीवरी होने वाले एक वुमेन को, एक्यूप्रेशर ये सब थेरेपी हम लोग को देना चाहिए। तो वी कैन डू स्टडी ऑन दिस, क्योंकि इसमें नॉलेज बहुत कम है लोगों को, तो ये गैप हमको फुलफिल कर सकते हैं हम स्टडी करके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस, ऑब्वियसली। जनरली ए ब्रॉड एरिया इज सिलेक्टेड, देन ए ब्रॉड टॉपिक इज डिलिमिटेड, देन नैरो डाउन, देन स्पेसिफिक। देखो ये क्या बोल रही है सेंटेंस, मैंने बताया था एक दिन आपको, मैंने समझाया था स्पेसिफिकेशन क्या होता है। जैसे मैंने ट्यूबरकुलोसिस लिया है, तो आई टुक द बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर सिलेबस, आई टुक द बीएससी नर्सिंग सिलेबस में से मैंने केवल एमएसएन लिया। अब एमएसएन में से भी मैंने रेस्पायरेटरी सिस्टम लिया, अब रेस्पायरेटरी सिस्टम से भी मैंने केवल ट्यूबरक्लोसिस उठाया, अब ट्यूबरक्लोसिस में भी मैं केवल प्रिवेंशन लूंगी। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ नैरो डाउन, वी आर डिलिमिटिंग अवर टॉपिक, वी आर नैरो इट डाउन अवर टॉपिक, वी आर वेरी स्पेसिफिक टू अवर टॉपिक। अंडरस्टैंड? तो दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। This step of research process is considered as the most difficult and challenging, needs lots of time. Obviously, इसे बहुत सारा टाइम लगता है क्योंकि आपको बेस्ट टॉपिक लेके आना पड़ता है। ए रिसर्च प्रॉब्लम मे कम फ्रॉम सेवरल सोर्सेज, डेफिनेटली दे आर द वेरियस सोर्सेज, क्लिनिकल, थेरेटिकल, प्रैक्टिकल और कम्युनिटी, देर आर द वेरियस सोर्सेज वेयर यू कैन गेट योर टॉपिक, यू कैन गेट योर रिसर्च टॉपिक। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। इन द नेक्स्ट स्लाइड आई एम टेलिंग, आई विल टीच यू सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ओके,